26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एंटॉप हिल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका लाभ क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने लिया। डॉक्टर नेहा कुरैशी के नेतृत्व में ऑलिव किड्स वेलफेयर सोसाइटी और राबता फाउंडेशन के साथ साथ SAF द्वारा आयोजित इस मेडिकल कैंप में विधायक कालिदास कोलमकर और माहिम दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी सोहेल खंडवानी जैसे कई दिग्गज मान्यवर पहुंचे थे। सभी ने इस कैंप की जमकर तारीफ की। हमारे एरिया के MLA श्री कालिदास कोलमकर साहब तशरीफ ला चुके हैं। वेरी ग्रेट। हा जो कार्यक्रम माझ्या मित्राने इथे आयोजित केला आहे, त्याबद्दल मी त्याला मनापासून मी धन्यवाद देतो। माझ्या मित्रांना प्रत्येक कोणताही कार्यक्रम असो त्याने आमंत्रण दिल्यानंतर मी येतो आणि त्या पद्धतीने हा कार्यक्रम जो आयोजित केला, हा अत्यंत हा एरिया गरीब कुटुंबांचा एरिया आहे। सगळ्या समाजाची माणसं इथे राहतात आणि ह्या समाजासाठी उपयुक्त व्हावं ह्यासाठी त्याने हे शिबिर ठेवलं आहे, त्याबद्दल मी मनापासून धन्यवाद देतो। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे, वडाला जैसे एरिया में हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है नेहा डॉक्टर ने, कितना जरूरी लगता है सर इस तरह का हेल्थ कैंप? ये हेल्थ कैंप तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, और जो हिसाब से लोगों ने किए बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। ये एलिकेट ऑर्गेनाइजेशन जो है राबता फाउंडेशन है और बद्रू भाई उनकी टीम जो ये कर रही है, तो इनको मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इनके साथ में हमेशा ऐसे काम में ये जो है एक हम्बल काम है, ह्यूमैनिटी का काम है, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर दिस प्लेटफॉर्म। ह्यूमैनिटी की जहाँ काम होती है वहाँ सोहेल सर हमेशा हाजिर रहते हैं। देखिए, माइन दरगाह हाजिली दरगाह का प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटी का है, तो हमारे यहाँ कोई डिस्टिंक्शन, कोई भी कास्ट क्रीड का कुछ भी नहीं है, और जितनी मदद हम कम्युनिटी के अलावा पूरी सोसाइटी को पहुंचा सकते हैं उसमें वी आर ऑलवेज देयर। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से बढ़ते हुए जो युवा हैं वो समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि यंगस्टर्स और यूथ जो है, यूथ आज की तारीख में इनोवेशन है, और जितने भी जो पुराने लोग हैं वो एक एक्सपीरियंस, और जब एक्सपीरियंस और इनोवेशन का मिलाप होता है उसमें सक्सेस ही मिलता है। सो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक्सपीरियंस लोग भी है, यूथ भी है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाज सेवा जैसा कुछ होता नहीं है। फर्स्टली हम जहाँ रहते हैं वहाँ अपना कर्तव्य करने को ही समाज सेवा कहते हैं, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यहाँ रहती हूँ और मेरा क्लिनिक भी यहाँ पर है, मैं प्रोफेशन से डेंटिस्ट हूँ, और मैं हर रोज़ देखती हूँ कि लोग पैसे की कमी की वजह से या इन्फ्लुएंस कहते हैं ना, वो फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से लोग बहुत सफ़र करते हैं।
अगर आप आज किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहो तो आपको कम से कम 1000 से 1500 रुपए से उनकी कंसल्टेशन फीस रखनी पड़ती है। ऐसे कैंप्स करने से क्या हो जाता है, हम उन डॉक्टर्स को इनके करीब ले आते हैं। ये अगर डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते तो हम एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ उनको मौका देते हैं कि हम आपके पास डॉक्टर्स लेकर आए हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए और हम इस जरिए से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। अंडर प्रिविलेज कोई चीज़ तब होती है जब वो डेवलप नहीं होती, और डेवलपमेंट के लिए सारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज हम ये सब कुछ करेंगे अवेयरनेस फैलाने के लिए, कैंप्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है अवेयरनेस फैलाना, अगर हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, हम उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताएंगे, बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं बताएंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनको ये नहीं बताएंगे कि उनको क्या तकलीफ़ है, तो वो सुधरेंगे कैसे, उनके हालात कैसे सुधरेंगे और फिर ये समाज कैसे सुधरेगा। सो बेसिकली कैंप करने के पीछे तो हमेशा से यही आइडिया रहा है। यहाँ पर कैंप में सबसे पहले ECG की फैसिलिटीज़ है, जो कि फ्री ECG है। आजकल सबसे ज़्यादा हार्ट केसेस सुनने को मिलते हैं, डेली बेसिस पे न जाने कितने लोग हार्ट कंडीशंस के शिकार होते हैं, हार्ट डिजीज़ के शिकार होते हैं। डेंटल सर्विस प्रोवाइडेड है, जहाँ पर हम डेंटल का फ्री चेकअप कर रहे हैं, पेशेंट को बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, और सिर्फ यही नहीं छोड़ रहे हैं, मेरा खुद का क्लिनिक है, अगर पेशेंट्स आएंगे मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए तो डेफिनेटली मैं उनको हाई चार्ज नहीं करूँगी, जो उनके बजट में हो और जो मेरे बजट में हो उस तरीके के हम हेल्प करेंगे। यहाँ पे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से लोग हैं, जहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह या कोई चीज़ आपके लिए, जैसे आप कंसल्टेशन लेते हो डॉक्टर से, यहाँ पर फिजिशियंस भी हैं, अगर वो कहते हैं कि आपको ये टेस्ट कराना ज़रूरी है, वो टेस्ट कराना ज़रूरी है, तो उसके लिए पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी है जो टेस्ट करेंगे और आप तक आपकी रिपोर्ट्स पहुँचाएंगे। यहाँ पे ऑफ्थाल डिपार्टमेंट है, आई स्पेशलिस्ट हैं जो आपका आई चेकअप कर रहे हैं और चश्मे भी दे रहे हैं जिसके जैसे हैं, अगर किसी का स्पेशल नंबर है तो वो लेकर, वो बनवा कर उन तक पहुँचाया भी जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट है, जहाँ पे आपका फुल बॉडी BMR देखा जाता है, BMI देखा जाता है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, किस चीज़ की मात्रा कम है। और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड के रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड अभी आया हुआ है, अगर हम उसको अवेयर नहीं करवाएंगे, अगर हम उसको फैसिलिटीज़ क्या है उसकी हम लोगों को नहीं बताएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो फैसिलिटीज़ कहाँ से लेंगे। तो हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं उतना हमने किया है। थैंक यू सो मच। कि मकसद तो यही है कि हम राब्ता फाउंडेशन और ओलिपिक की तरफ से यहाँ जो रहने वाले बदर कुरैशी और ये उनकी सहाय से ये सब चीज़ें हो रही है, कि आज के दिन के अंदर जहाँ सबकी हेल्थ के केयर करते हुए ये इतना सारा जो अनगिनत ये रखा गया है, जैसे हेल्थ के लिए हिजामा है, डेंटल है, ECG है और वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड का कैंप रखा गया है, तो ये सब चीज़ें इसके लिए कि यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, और मकसद यही है कि लोगों को फैज पहुँचे, यहाँ के लोगों को फैज पहुँचे। मेरा नाम नुसरत बेग है और मेरी संस्था का नाम, NGO का नाम ओलिव किड वेलफेयर सोसाइटी है, मैं कुरला से बिलोंग करती हूँ। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती, और जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं उनको काफ़ी लंबी लंबी लाइनें भी लगाने पड़ती है, तो ये एक अच्छा हेल्प है हमारी तरफ से, ताकि उन लोगों को ईजीली कम्फर्टेबली इनको हमारे डॉक्टर्स उनको कंसल्ट कर रहे हैं, फिर उनको गाइड कर रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनको सजेशंस दे रहे हैं। सो इट शुड बी हेल्ड इन एवरी प्लेसेस, हर जगह पे होना चाहिए ये। मतलब ये जो कैंप है पहली बार ही वहाँ पर हुआ है, आज तक किसी ने किया नहीं ऐसा कैंप, और ये जो आजू बाजू के जो लोग हैं उनको पता ही नहीं कि भाई यहाँ फ्री में चल रहा है क्या। अभी हम लोग बजा जाके पता है, लोग आ रहे, भीड़ लगी हुई है, म्यूनसिपाली में जाते हैं लोग, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर कम भीड़ है, लोग आके करके ले जा रहे हैं, और लोगों को अच्छा लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर एरिया में ये फैसिलिटी हमको मिल गई करके। एकदम, ये जो हेल्थ कैंप रखा गया है राब्ता फाउंडेशन को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ इसके लिए, एरिया को कवरेज करके उन्होंने फ्री में अरेंजमेंट किया है। क्या है कि लोग BMC में जाते हैं तो वहाँ गर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग अवॉइड भी करते नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर एक ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है जिससे लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही है, अस्थमा का है, पैथोलॉजी है और सब टेस्ट वगैरह है। ये जो कैंप रखा गया है ये लोगों के सुविधा के लिए है, सब लोगों के लिए कि इनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है,
उन लोगों के लिए है, और जो भी है मतलब तुम लोग कोई बहुत गरीब है लोग जो अपने इलाज के लिए खर्चा नहीं कर सकते और जिनको बहुत तकलीफ़ होती है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, जिनकी कोई प्रॉब्लम्स है, उनके लिए उनकी सुविधा के लिए उनको यहाँ से सहूलत मिले हर चीज़ की। इस ब्लड टेस्ट किया और वेट चेक किया और मुझे थोड़ा एलर्जी होता है इसलिए उधर एलर्जी का चेक किया, बीपी भी चेक किया, मेरा नॉर्मल है। डॉक्टर कैसे रेस्पॉन्स कर? डॉक्टर अच्छा। तो कुछ आपको बीमारी नहीं बताया? नहीं, मेरा तो कुछ बीमारी नहीं, अभी ब्लड टेस्ट तो किया, मुझे तो पहले से नहीं सर पता चलेगा, और वो एलर्जी का था बताया, मेडिसिन भी मैं लेती हूँ एलर्जी का। मला अस्थमाचा अस्थमा आहे असे सांगितले, मला माहीत नव्हतं की अस्थमा आहे, आणि डोळ्याचं पण चेकअप केलं, त्यामध्ये पण माझा नंबर निघाला, आणि बॉडी चेकअप पण केलं, त्यामध्ये पण ते सांगितले की तुमचं काय वाढली, वजन वाढले, बीपी वाढली, हे सगळं ते सांगितले। कसं वाटले डॉक्टर, कसं आहे ते कॅम्प, खूप चांगलं आहे की काय वाटतं तुम्हाला? नाही, चांगलं आहे कॅम्प, आणि जस्ट म्हणजे फ्री सर्विस चांगली आहे, बाकी सगळं औषध ते लिहून देतात की आपल्याला आणावं लागेल, चांगलं आहे कॅम्प। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये मेडिकल कैंप आपको तो पता है, हर किसी को अच्छी सेहत की ज़रूरत है, और जिस हिसाब का माहौल है हमारे यहाँ तो लोग अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसे वक्त पर अगर हम फ्री मेडिकल कैंप करते हैं तो लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलता है, और क्योंकि फ्री होता है तो लोग आने से पहले हिचकिचाते भी नहीं हैं, तो उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। फिर यहाँ पे जैसे हमने आई टेस्ट किया है, डेंटल चेकअप है, अगर आप कोई भी क्लिनिक अगर आप ट्रस्ट में भी चले जाओ तो उसकी एक सर्टेन फीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल मुफ्त है, तो पब्लिक को एक एनकरेजमेंट मिलता है, तो कैसे अपनी सेहत को स्टेबलाइज रख सकते हैं, एक अच्छी सेहत एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लगता है कि इस तरह के और भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो इस तरह के एरियाज में रखने चाहिए? बिल्कुल बेशक रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान अगर स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, तभी वो खुद का भी ध्यान रख सकता है और अपने परिवार का भी ध्यान रख सकता है, और वो कहते हैं ना हम लोग स्वस्थ रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेहा इसी एरिया में पैदा हुई है, इसी एरिया में बड़ी हुई है, और उसको जो हमारे जो भाई है बदर जी, उन्होंने जो परवरिश दी है उसकी वजह से वो जानती है कि जो सोसाइटी में मैं बड़ी हुई उसको मैं कुछ देना लगती हूँ। और उसने डेंटिस्ट्री पास करने के बाद काफ़ी सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं, मैं यहाँ पर था सीनियर पीआई करके, उस टाइम भी मैं आता था, और अभी काफ़ी सालों बाद आना हुआ है, 3-4 साल नागपुर में गया इसके लिए, तो ये तो बहुत फख्र होता है मुझे कि एक एरिया में पैदा हुई, एक एरिया में बड़ी हुई लड़की एरिया के लोगों के लिए इतना कुछ करती है, तो काफ़ी फख्र होता है। और उसका जो जो सर्कल है वो भी काफ़ी अच्छा है, लोग उसके कहने पे ये एरिया में आके मुफ्त मेडिकल कैंप्स वगैरह आयोजित करते हैं, डेंटल कैंप्स आयोजित करते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है सोसाइटी के लिए कुछ करना, ये सिखाया है बदर जी ने और नेहा वो पाल रही है।